नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज का टॉपिक है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा और ये कोशिश अगर आप खुद कर लेते तो आपकी ओवर ट्रेडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। एकदम रियलिस्टिक अप्रोच बताऊँगा, एकदम रियलिस्टिक वे बताऊँगा जो सच में अगर आप करते और आपको जब ये सॉल्यूशन आप जब सुनोगे ना तो आप सच में आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारा अगर ये कंट्रोल ला लिया तो हमारे ऑप्शन बायर में कितनी बड़ी ताकत है, या फिर हम खुद आप कितना कितना पैसा बना सकते हो, या फिर आप खुद प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये बात सिर्फ वीडियो आखिर तक देखना, जो भी सॉल्यूशन है बस उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और सब कुछ जो भी है वो मेरी गलती है, ना मार्केट की गलती है ना किसकी गलती है, सिर्फ मेरा मन जो है ना, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले एक कहानी बताता हूँ या फिर एक कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। तो ये बताओ मुझे कि अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है या फिर मुंबई से दिल्ली जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आप पहले घर से जब निकलते हो तो आपका प्लान होता है ना कि 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के गाड़ी में मैं बैठूँगा, ट्रेन आएगी, मुझे फिर वो ट्रेन में मेरा जो नंबर है बोगी नंबर या फिर कोच नंबर, जो भी मेरी सीट है या फिर जो B1, B2 जो भी AC वाला बोगी है या फिर सादा स्लीपर कोच है, जो भी कुछ है वहाँ पे मुझे बैठना है, तो आपका सब प्लान रेडी है ना। यानी आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप पहले स्टेशन पे जाओगे, फिर आप बोलोगे इतने बजे गाड़ी आने वाली है, फिर गाड़ी आने के बाद मैं चढ़ूँगा, फिर वो मेरे सीट पे बैठूंगा, फिर वो मुंबई पहुंचेगी, फिर मुंबई पहुंचने के बाद मुझे फिर वहाँ से टैक्सी करना पड़ेगा या कैब करना पड़ेगा, फिर मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। तो ये क्या हो गया, आपका प्लान हो गया ना। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप स्टेशन पे जाने के बाद जब तक आपकी ट्रेन नहीं आती, समझ मान लीजिए आप आपकी ट्रेन 2 बजे और 2 बजे के पहले आप अगर 1.5 बजे 1 बजे अगर आप स्टेशन पे चले गए, जल्दी चले गए, बट वो 1 घंटा जब आप स्टेशन पे बैठते हो या आधा घंटा जब स्टेशन पे बैठते हो, तब आप कोई भी जो भी ट्रेन आती है उस पे चढ़ते हो, उतरते हो या फिर कुछ दूसरा ही कुछ करने लग जाते हो, जितने भी गाड़ियाँ आती है या अलग अलग ट्रेन आती है आपकी ट्रेन आने से पहले, तो वो ट्रेन में चढ़ते हो उतरते हो ऐसा कुछ करते हो क्या? आपकी जो प्रॉपर गाड़ी है 1, 2, 3, 4, 5 वही गाड़ी में आपको चढ़ना है जो दिल्ली से मुंबई जाने वाली है, जो आपकी ट्रेन है उसमें ही आप चढ़ोगे ना। तो ये कहानी का बताने का पीछे का जो रीज़न है वो बताता हूँ कि अब आते हैं आप हमारे ओवर ट्रेडिंग के सॉल्यूशन पे। तो एक बात अब मुझे बताओ कि जब आप ट्रेडिंग करने, यानी आपको अगर मार्केट कल खुलने वाला है तो आप पहले दिन क्या करते हो? कुछ ना कुछ तो आपका प्लान होना चाहिए ना, आप कुछ ना कुछ तो प्लान करते होंगे ना कि 47,000 के पास अभी बैंक निफ्टी खड़ा है, अगर ये 47,200 के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूँगा, या फिर 47,800 के नीचे जाएगा तो मैं सेल करूँगा, या फिर इसके बीच में रहता है, साइडवेज रहता है, तो फिर थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के मैं 47,200 से, अब 47,200 ऐसा लेवल है, ऐसा मान लीजिए रेजिस्टेंस है, वहाँ पर क्या है 47,200 पर रेजिस्टेंस है, तो दो चीज़ें होंगी वहाँ पर, एक तो ब्रेकआउट होगा, एक तो रिवर्सल होगा, वहाँ से 200 से वापस रिवर्स हो जाएगा या फिर वहाँ से ब्रेकआउट देके वापस ऊपर चले जाएगा, तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना है ना। तो आपका जितना अभी तक सीखे हो, एक्सपीरियंस हो, एनालिसिस हो, जो भी कुछ है, तो वो वहाँ पे सिर्फ लगाना है और वहाँ पे सिर्फ ये करने की कोशिश करनी है कि यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला है या फिर रिवर्सल होने वाला है, और वहाँ पर सिर्फ आपको ट्रेड लेना है। तो आपने मार्केट खुलने से पहले या पहले दिन कुछ प्लान किया होगा, जैसे रेलवे का एग्जांपल या ट्रेन का एग्जांपल दिया, तो सेम आपका कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए कि 47,000 के ऊपर मैं बाय करने वाला हूँ कल, अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट और ऊपर जाएगा, और इसके अगर नीचे जाता है ये लेवल के तो और नीचे जाएगा। तो जब तक वो लेवल आती नहीं है आप ट्रेड क्यों लेते हो? आप खुद सोच के देखना, ये बात इतनी सिंपल बात है। आपका माइंड जो है ना, वो मार्केट शुरू होने के बाद और मार्केट
बंद होने के बाद या फिर मार्केट शुरू होने के पहले कुछ अलग होता है। आप जितना मार्केट शुरू होने के पहले जितना प्लान बना लेते हो तो हो ना, वो सब मार्केट शुरू होने के बाद भूल जाते हो। खुद को पूछ के देखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो रॉन्ग हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है, बट खुद सोच के देखना। और मार्केट बंद हो जाता है तब सब समझ में आ जाता है कि आज मैंने गलती क्या की। तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि जो आपने प्लान किया है ना, और ये कहाँ पर ना कहाँ पर लिखा हुआ भी है कि प्लान योर ट्रेड और एंड ट्रेड योर प्लान। यानी पहले प्लान करो ट्रेड को, और वही जो प्लान है उसको ही ट्रेड करो। तो सीधी सीधी बात है कि पहले आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि कल मार्केट कहाँ जाएगा। ये लेवल के ऊपर गया तो यहाँ तक जाएगा, ये लेवल के नीचे गया तो यहाँ तक जाएगा। और जब तक वो जो प्लान किया है कि ऐसा ऐसा हुआ तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा कल, तो बस उसको ही ट्रेड करना है, उसको ही। अब जिनको मेरे जो मेरे एनालिसिस वीडियो देखते होंगे तो कल का प्लान मैं उसमें पूरा बता देता हूँ कि ये लेवल के ऊपर जाएगा तो ऐसा ऐसा होगा। और ये हर कोई बता सकता है, हर कोई बता सकता है। आपको अगर टेक्निकल यानी चार्ट ट्रेडिंग करना आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता है, प्राइस एक्शन समझ में आता है, आप भी लेवल बता सकते हो कि ये लेवल के ऊपर गया तो यहाँ तक जाएगा, हर कोई बताता है। बट वो लेवल टूटने के बाद या वो लेवल आने तक उसके पहले हम कितने सारे ट्रेड कर लेते हैं। यानी आपको जो ट्रेन में चढ़ना है वो ट्रेन आने से पहले आप बाकी के ट्रेन में चढ़ जाते हो, उतर जाते हो और कहीं के कहीं चले जाते हो। अगर आप जो ट्रेन में चढ़ना चाहते हो वो ट्रेन में नहीं चढ़ रहे, दूसरी कोई ट्रेन में चढ़ गए तो वो तो चंडीगढ़ या फिर कोई पुणे नागपुर चले जाएगी, आपको तो मुंबई जाना था ना। तो आप जो ट्रेन आने वाली है जिसमें आपको चढ़ना था उसमें क्यों नहीं चढ़े? अगर वैसा वही लेवल पे 47,000 के पास आपने बोला है कि इसके ऊपर जाएगा तो एक ब्रेकआउट आएगा, नहीं तो फिर रिवर्सल आएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा। तो वही करना है, बस इतनी सिंपल सी चीज़ है और यही सॉल्यूशन है ओवर ट्रेडिंग का। तो अगर आप प्लान बनाते हो तो सिंपल सोच के देखना, ऐसे दो तीन ही लेवल होंगे, एक तो सपोर्ट होगा, एक तो रेजिस्टेंस होगा, एक तो रिवर्सल का ट्रेड बनेगा, एक तो ब्रेकआउट का ट्रेड बनेगा। और अगर रिवर्स ब्रेकआउट देने का अगर फेल भी हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा का ट्रेड ले लो, रिवर्सल के लिए प्लान ले लो। ऐसे गिन के दो चार ट्रेड, पांच ट्रेड मैक्सिमम होंगे आपके दिन भर में, बाकी फिर उसके ऊपर ट्रेड ही नहीं होना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। खास तौर पे बस गिने चुने जो आपने प्लान करके रखे मार्केट शुरू होने से पहले प्लान करो, और बस वही ट्रेन में चढ़ो, वही ट्रेड को करो, बाकी सब अवॉइड कर दो। उसके लिए चाहिए सिर्फ मन पे कंट्रोल, और वो कंट्रोल आ गया तो आपकी क्षमता क्या है ये आपको खुद को पता चल जाएगी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि ओवर ट्रेडिंग के यानी सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बस खुद के मन को कंट्रोल करना कि जब तक वो जो मैंने प्लान किया था पहले मार्केट खुलने से पहले, वैसा अगर होता है तो ही मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। बस इतनी सिंपल सी चीज़ है। खुद सोच के देखना कि मैंने जो बताया वो सही है या नहीं है, ठीक है? तो आशा करता हूँ कुछ काम का वीडियो लगा होगा। अगर कुछ लगा होगा सच में काम का तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना, इससे एक थोड़ी सी मेरा चैनल ग्रो होने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है? अगर पहली बार वीडियो देख रहे होगे तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल वीडियोस भी डालते रहता हूँ और डेली एनालिसिस भी डालते रहता हूँ, आप वो भी वीडियो एक बार देख सकते हो, ठीक है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।